हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड के चैप्टर टू में पेलिमॉन के स्ट्रक्चर और अपेंडिजेस का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। पेलिमॉन के स्ट्रक्चर में हम उसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और उसके पश्चात उनके अपेंडिजेस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। पेलिमॉन या प्राण का क्लासिफिकेशन इस तरह से है, यह फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में उनके लेग्स ज्वाइंटेड होते हैं और उनमें पाए जाने वाले अपेंडेजेस ये पेयर्ड होते हैं। क्लास क्रस्टेशिया ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं जिनमें कैरापेस उपस्थित होता है। ऑर्डर डेकापोडा 10 लेग्स उपस्थित होते हैं जिनमें से फर्स्ट टू पेयर लेग के स्वतंत्र सिरे पर या शीर्ष पर चीला पाया जाता है। जीनस पेलिमॉन, आइए हम पेलिमॉन के हैबिट एंड हैबिटेट या उसके स्वभाव और आवास के बारे में अध्ययन करते हैं। पेलिमॉन यह फ्रेश वाटर एनिमल होता है जो स्वच्छ जल के स्रोत जैसे जलाशय, तालाब, बांध, झील, नदी इत्यादि में पाए जाते हैं। यह बेंथोनिक होता है। अपने आवास के तल पर यह विश्राम की अवस्था पे सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन या लोकोमोशन वॉकिंग के द्वारा होता है और यह थोरेसिक लेग के द्वारा होता है। क्योंकि ये जलीय जंतु होते हैं इसलिए इनमें स्विमिंग भी होती है और यह स्विमिंग उनके एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाए जाने वाले प्लियोपोड्स उपांगों के द्वारा होती है। जंतु नॉक्टर्नल या रात्रिचर होते हैं, अर्थात ये दिन के समय अपने आवास या पानी के तल में छिपे रहते हैं तथा रात्रि के समय ये सक्रिय हो जाते हैं। प्रॉन ओमनिहोरस या सर्वहारी होता है जो अपने भोजन में जीवित एवं मृत वनस्पति, छोटे जीव लार्वा तथा आवास के तल में अपघटित होते हुए पदार्थों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। इनमें पाई जाने वाली आई ये स्टॉक्ड होती है तथा इनकी आंखें कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र होती हैं। इनके उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड कहलाते हैं। प्रॉन यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अर्थात बाहर से देख करके मेल और फीमेल प्राण को आसानी के साथ पहचाना जा सकता है। इस प्रक्रिया को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन यह एक्सटर्नल होता है, पेरेंटल केयर की प्रक्रिया पाई जाती है जिसमें फीमेल प्राण अपने अंडों को अपने एब्डोमिन भाग पर लिए फिरती है और उनकी सुरक्षा तब तक करती है जब तक उन अंडों से
लार्वा या माइसिस अवस्था बाहर नहीं आ जाती है। अंडों में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया, ये अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होती है, जिसमें एक लार्वा निर्मित होता है और यह लार्वा माइसिस लार्वा कहलाता है। माइसिस लार्वा अंडे से हैच करके बाहर आने के बाद वह मॉल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरता है और उसके पश्चात वह एडल्ट प्रॉन में विकसित हो जाता है। प्रॉन में रीजेनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन यह रीजेनरेशन की प्रक्रिया स्मॉल या यंग फॉर्म में फास्ट होती है, जबकि वयस्क अवस्था में रीजेनरेशन की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। ऑटोटॉमी, प्रॉन में ऑटोटॉमी की योग्यता या क्षमता पाई जाती है, जिसके तहत वो अपने शरीर के किसी उपांग को स्वेच्छा से अपने शरीर से अलग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा वो अपने शत्रुओं से अपना बचाव भी करते हैं। आइए अब हम देखें प्राण के शरीर में पाए जाने वाले उपांग या अपेंडेजेस के बारे में। प्राण का जो शरीर है वो तीन स्पष्ट भागों में विभाजित होता है तथा इनके शरीर में कुल 19 खंड होते हैं। इन खंडों में उपांग की स्थिति, उनकी संख्या का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है। इस चार्ट में हम शरीर के भागों के बारे में देखें, उसके बाद शरीर के उन भागों के नाम के बारे में देखेंगे तथा वह कितने खंडों से बना हुआ है तथा उन खंडों में कितने उपांग पाए जाते हैं, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। शरीर का अगला भाग यह इंटीरियर पार्ट कहलाता है, इसे सिफेलिक रीजन कहते हैं। यह सिफेलिक रीजन 5 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है तथा इनमें उपांगों की संख्या 5 पेयर होती है। शरीर का बीच का भाग या मिडिल पार्ट या मध्य भाग कहलाता है, इसे थोरेसिक रीजन कहते हैं तथा यह थोरेसिक रीजन 8 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है और इस थोरेसिक रीजन में 8 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। शरीर का जो पिछला भाग है यह पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, इसे एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। यह 6 खंडों के द्वारा या सेगमेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है तथा इसमें उपांगों की संख्या 6 पेयर होती है। इस तरह प्राण के शरीर में प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी उपांग या 1 जोड़ी अपेंडेजेस संलग्न रहते हैं। इस तरह कुल उपांगों की जो संख्या है वह 19 जोड़ी होती है। तो प्राण के शरीर में 19 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी उपांग होते हैं। इस तरह प्राण में कुल उपांगों की संख्या ये 19 जोड़ी होती है। इस चित्र में हम प्राण के शरीर की संरचना देख सकते हैं। शरीर के सामने का यह भाग जो एक क्यूटिकल की प्लेट के द्वारा कवर होता है, इस प्लेट को कैरापीस कहते हैं। यह कैरापीस शरीर के दो भागों को घेरे हुए होता है और ये भाग होते हैं, पहला सिफेलिक पार्ट जो सामने की ओर होता है तथा इसके पीछे दूसरा भाग होता है, यह भाग थोरेक्स कहलाता है। तो सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन ये दोनों कैरापीस के द्वारा ढके हुए होते हैं, कवर किए हुए होते हैं। शरीर का तीसरा भाग ये एब्डोमिन का कहलाता है और यह एब्डोमिन 6 खंडों के द्वारा बना हुआ होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर खंड में ये उपांग या अपेंडेजेस लगे हुए हैं और ये अपेंडेजेस हमेशा पेयर्ड होते हैं या युग्मों में पाए जाते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में
उपांगों की संख्या और उनके नाम का विवरण इस तरह से है, शरीर के सामने का हिस्सा यह सिफेलिक रीजन कहलाता है। यह सिफेलिक रीजन 5 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है तथा प्रत्येक खंड में पाए जाने वाले उपांगों के नाम इस तरह से हैं। पहले खंड में जो अपेंडेजेस हैं उनको हम कहते हैं एंटीन्यूल। ये सारे अपेंडेजेस एक जोड़ी होते हैं। दूसरे खंड में एक जोड़ी जो उपांग होता है वह एंटीना कहलाता है। तीसरे खंड का उपांग मैंडिबल, चौथे खंड का मैक्सिलुला और पांचवें खंड का उपांग मैक्सिला कहलाता है। शरीर का मध्य भाग यह थोरेसिक रीजन कहलाता है और इस थोरेसिक रीजन में कुल खंडों की संख्या 8 होती है और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इस तरह कुल 8 जोड़ी अपेंडेजेस थोरेसिक रीजन पर पाए जाते हैं। आइए इन अपेंडेजेस के नाम के बारे में हम देखते हैं। थोरेसिक रीजन पर जो पहला उपांग होता है यह फर्स्ट मैक्सिली पीट कहलाता है, दूसरा सेकंड मैक्सिली पीट और तीसरा थर्ड मैक्सिली पीट कहलाता है। ये मैक्सिली पीट क्रमशः फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, सेकंड थोरेसिक सेगमेंट और थर्ड थोरेसिक सेगमेंट पर संलग्न होते हैं। चौथे थोरेसिक सेगमेंट पर जो उपांग होता है वह फर्स्ट चिलेट लेग कहलाता है। इसी तरह पांचवें सेगमेंट पर थोरेसिक अपेंडेजेस यह सेकंड चिलेट लेग कहलाता है तथा छठवें सेगमेंट पर फर्स्ट नॉन चिलेट लेग, सातवें सेगमेंट पर सेकंड नॉन चिलेट लेग और आठवें सेगमेंट पर थर्ड नॉन चिलेट लेग संलग्न होते हैं। शरीर के पीछे का खंड यह एब्डोमिनल रीजन कहलाता है और इस एब्डोमिनल रीजन पर जो अपेंडेजेस लगे हुए होते हैं ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहलाते हैं। एब्डोमिन रीजन पर खंडों की संख्या कुल 6 होती है तथा इन खंडों पर जो उपांग पाए जाते हैं उनके नाम इस तरह से हैं। पहले एब्डोमिनल सेगमेंट पर जो उपांग होता है वह फर्स्ट प्लियोपोड कहलाता है, सेकंड सेगमेंट पर सेकंड प्लियोपोड, थर्ड सेगमेंट पर थर्ड प्लियोपोड, फोर्थ सेगमेंट पर फोर्थ प्लियोपोड और पांचवें सेगमेंट पर फिफ्थ प्लियोपोड होता है। और एब्डोमिनल सेगमेंट का जो आखिरी सेगमेंट होता है जिसे हम 6 एब्डोमिनल सेगमेंट कहते हैं उसमें पाए जाने वाला एब्डोमिनल अपेंडेजेस यह यूरोपोर्ट कहलाता है। तो इस तरह 5 जोड़ी सिफेलिक, 8 जोड़ी थोरेसिक और 6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। इस तरह कुल अपेंडेजेस की जो संख्या होती है ये 19 पेयर्स होती है। इस चित्र में हम उन पेयर्ड अपेंडेजेस को क्रम से देख सकते हैं। ये पहला पेयर है, ये एंटीन्यूल, दूसरा एंटीना, तीसरा मैंडिबल, चौथा मैक्सिलुला, पांचवा मैक्सिला, छठवां फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सातवां सेकंड मैक्सिलिपीड, आठवां थर्ड मैक्सिलिपीड, नौवां फर्स्ट चिलेट लेग, दसवां सेकंड चिलेट लेग, 11, 12 और 13 ये तीनों नॉन चिलेट लेग होते हैं। चिलेट का मतलब ये है कि इस पहले और दूसरे चिलेट लेग के शीर्ष पर हम देख रहे हैं ये जबड़े जैसी रचना यहाँ पर उपस्थित होती है। तो ये जबड़े जैसी रचना यह कहलाती है चीला। तो पहले और दूसरे वॉकिंग लेग पर चीला पाए जाते हैं इसलिए इन्हें चिलेट लेग कहा जाता है, जबकि शेष 3 लेग पर चीला नहीं पाए जाते हैं इसलिए इनको नॉन चिलेट लेग कहा जाता है। उसके बाद 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें खंड पर जो अपेंडेजेस होते हैं इन्हें प्लियोपोड कहा जाता है।
14वें खंड पर फर्स्ट प्लियोपोड, 15वें खंड पर सेकंड प्लियोपोड, 16वें खंड पर थर्ड प्लियोपोड, 17वें खंड पर फोर्थ प्लियोपोड और 18वें खंड पर फिफ्थ प्लियोपोड होता है। शरीर के अंतिम खंड पर अर्थात 19वें खंड पर यूरोपोड होता है। तो ये अंतिम सेगमेंट पर यूरोपोड। तो उपांगों का या अपेंडेजेस का जो अरेंजमेंट होता है वो हमेशा इसी क्रम में होता है और ये अपेंडेजेस हमेशा पेयर्ड होते हैं या युग्मों में लगे हुए होते हैं। आइए हम हर अपेंडेजेस की संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम देखेंगे सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में। सिफेलिक अपेंडेजेस में जो पहला अपेंडेजेस है ये कहलाता है एंटीन्यूल। यह एंटीन्यूल आई स्टॉक के ठीक नीचे स्थित होती है। एंटीन्यूल में एंटीन्यूल का निर्माण प्रोटोपोडाइट से होता है और यह प्रोटोपोडाइट तीन खंडों में विभेदित होता है जिन्हें क्रमशः प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस कहते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं यह प्रोटोपोडाइट है जो तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, प्रीकोक्सा, दूसरा कोक्सा और तीसरा भाग बेसिस। प्रीकोक्सा यह चपटी व खोखली संरचना होती है तथा इसकी सतह पर आंख के लिए एक कैविटी होती है तथा इसके आधार के समीप एक छिद्र होती है, एक ओपनिंग होती है जहां पर स्टेटोसिस्ट खुलता है। इसे ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट कहते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं प्रीकोक्सा के भाग पर ये एक कैविटी दिखाई दे रही है और इस कैविटी पर प्रॉन की जो आंख है वो संलग्न होती है, इस स्थान पर निहित होती है और इसी भाग पर एक छोटी ओपनिंग भी हम देख पा रहे हैं और इस ओपनिंग में स्टेटोसिस्ट बाहर की ओर खुलता है और ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं इस जंतु के बैलेंसिंग या संतुलन के अंग होते हैं। तो पहला भाग ये है प्रीकोक्सा, दूसरा कोक्सा। यह कोक्सा का भाग छोटा तथा बेलनाकार होता है और मध्य में स्थित होता है। तो यहाँ पर यदि हम कोक्सा को देखें तो यह आकार में छोटा है, बेलनाकार है तथा यह प्रीकोक्सा और बेसिस के बीच में स्थित होता है। तीसरा भाग यह बेसिस कहलाता है। बेसिस अपेक्षाकृत लंबा होता है जिसके शीर्ष पर दो फिलर या धागे जैसी रचनाएं लगी हुई होती हैं, जिनमें से जो बाहरी फिलर है वो द्विशाखित होता है जबकि भीतरी फिलर ये अशाखित होता है। तो बेसिस पर हम देख पा रहे हैं ये इस तरह के फिलर लगे हुए हैं। तो ये जो फिलर होता है ये इसका बाहरी फिलर कहलाता है और ये इनर फिलर कहलाता है। तो आउटर फिलर जो है ये द्विशाखित होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो शाखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जबकि इनर फिलर यह अशाखान्वित होती है। एंटीन्यूल मुख्य रूप से टेक्टाइल ऑर्गन होते हैं, स्पर्श के अंग होते हैं तथा एंटीन्यूल में स्थित जो स्टेटोसिस्ट है वह इनके बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ये रचना होती है एंटीन्यूल की। सिफेलिक रीजन का जो दूसरा अपेंडेजेस है यह कहलाता है एंटीनी। एंटीन्यूल के ठीक पीछे एंटीनी स्थित होती है। एंटीना का प्रोटोपोडाइट यह कोक्सा एवं बेसिस केवल दो भागों का बना हुआ होता है। इसमें प्रीकोक्सा यह अनुपस्थित होता है। एंडोपोडाइट एक लंबे बहुखंडीय फिलर के रूप में रूपांतरित होता है। तो एंडोपोडाइट को हम देख सकते हैं यह फिलर है, धागे जैसी रचना है तथा यह बहुखंडीय होती है। एक्सोपोडाइट यह भाग एक्सोपोडाइट का है। तो यह एक्सोपोडाइट चौड़े प्लेट के रूप में होता है तथा इसे स्क्वेमा कहा जाता है।
तो ये जो भाग है ये एंडोपोडाइट का है और यह भाग एक्सोपोडाइट का है। तो एक्सोपोडाइट को हम स्क्वेमा भी कहते हैं। प्रॉन में ये जो एंटीनी है ये इनके स्पर्श अंग होते हैं, अर्थात ये टेक्टाइल ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रॉन का यह एंटीनरी ग्लैंड कहलाता है और यह एंटीनरी ग्लैंड इसी एंटीना के कोक्सा वाले भाग पर एक छोटे से पैपिली के ऊपर, पैपिली का आशय है उभार, उभार, और इस उभार के शीर्ष पर एक छोटे से छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। इसे कहा जाता है रीनल अपर्चर। यह रीनल अपर्चर रीनल पैपिला के ऊपर स्थित होता है। तीसरा सिफेलिक अपेंडेजिस, यह मैंडिबल कहलाता है। मैंडिबल माउथ के दोनों साइड पर स्थित होती है। प्रत्येक मैंडिबल में एक प्रोटोपोडाइट होता है जिसके बाहरी सतह पर इंसिजर टीथ और मोलर टीथ लगे हुए होते हैं। इंसिजर टीथ माउथ के लेटरल साइड पर और मोलर टीथ बकल केविटी के लेटरल साइड पर उभरे हुए होते हैं। एंडोपोडाइट यह मैंडिबुलर पल्प के रूप में दिखाई देता है तथा एक्सोपोडाइट यह अनुपस्थित होता है। मैंडिबल भोजन को कुतरने और तोड़ते समय मैंडिबल एक साथ साइड बाय साइड गति करते हैं। तो भोजन को कुतरने का कार्य इन मैंडिबल्स के द्वारा किया जाता है और इस तरह ये मैंडिबल्स प्रॉन के फीडिंग अपरेटस होते हैं जो भोजन को आहार नली के अंदर ले जाने का काम करते हैं। चौथा सिफेलिक अपेंडेजेस, यह मैक्सिलुली कहलाता है। मैक्सिलुली प्रॉन के सबसे छोटे उपांग हैं। प्रत्येक मैक्सिलुला में प्रोटोपोडाइट दो चपटे पत्तियों के समान लोब वाले होते हैं जिन्हें ग्नेथोबेस कहा जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये प्रोटोपोडाइट है, दो अलग अलग लोब के द्वारा निर्मित है और इसे हम ग्नेथोबेस भी कहते हैं। यह प्रोटोपोडाइट क्रमशः बेसिस और कोक्सा इन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है तथा इनके बाहरी सिरे पर रेशेदार संरचनाएं पाई जाती हैं और इन रचनाओं को सीटोज हेयर कहा जाता है। प्रत्येक मैक्सिलुला में एंडोपोडाइट यह पतला तथा दो खंडों का बना हुआ होता है। इनमें एक्सोपोडाइट यह अनुपस्थित होता है। मैक्सिलुली का कार्य आइए हम देखें। मैक्सिलुली भोजन ग्रहण करते समय भोजन को माउथ की ओर पहुंचाने का कार्य करते हैं। पांचवें सिफेलिक अपेंडेज को मैक्सिली के नाम से जाना जाता है। मैक्सिली ये मैक्सिलुली के पीछे पांचवें खंड में स्थित होती हैं। ये मैक्सिलुली चपटी कोमल पत्तीनुमा उपांग होती हैं। प्रत्येक मैक्सिला का प्रोटोपोडाइट कोक्सा और बेसिस खंडों से बना हुआ होता है जिसमें बेसिस विभाजित होकर के यह नेथोबेस बनाता है। एंडोपोडाइट यह बहुत छोटा होता है। एक्सोपोडाइट रूपांतरित होकर के बड़ा चपटा तथा पंखे के समान स्केफोग्नेथाइट बनाता है। यह इसके बाहरी स्वतंत्र सिरे पर सीटी लगे हुए होते हैं। स्केफोग्नेथाइट की गति से जलधारा उत्पन्न होती है और यह जलधारा गिल्स के ऊपर से गुजरकर श्वसन में सहायता करती है, साथ ही साथ भोजन ग्रहण करने में भी यह सहायता करती है। यहां पर यह जो अपेंडेज हम देख रहे हैं यह अपेंडेज है मैक्सिली। थोरेसिक अपेंडेजेस, सिफेलिक सेगमेंट के बाद थोरेसिक रीजन होता है
और थोरेसिक रीजन पर जो उपांग होते हैं उन उपांगों को थोरेसिक अपेंडेजेस कहा जाता है। ये थोरेसिक अपेंडेजेस की कुल संख्या 8 जोड़ी होती है, जिनमें से 3 पेयर मिली मैक्सिलिपीड्स होती हैं और 5 जोड़ी लैक्स होती हैं। तो आइए पहले हम मैक्सिलिपीड के बारे में देखते हैं। मैक्सिलिपीड को क्रमशः फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड और थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड के नाम से जाना जाता है। आइए हम सबसे पहले देखें फर्स्ट पेयर मैक्सिलिपीड की संरचना के बारे में। यह पतली होती है तथा प्रथम खंड में संलग्न होती है। इसमें कोक्सा व बेसिस का भीतरी किनारा नेथोबेस बनाता है तथा बाहरी सतह पर बाइलोब्ड एपिपोडाइट लगा हुआ होता है। बेसिस पर बड़ा एक्सोपोडाइट तथा छोटा एंडोपोडाइट होता है। एक्सोपोडाइट का आधार ये प्लेट के समान होता है। मैक्सिलिपीड भोजन को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। ये है रचना फर्स्ट मैक्सिलिपीड की। इस फर्स्ट मैक्सिलिपीड में जो भाग होते हैं वो इस तरह से हैं, बेसिस, कोक्सा और ये है गनेथोबेस, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, प्लेट लाइक एक्सपेंशन और ये एक विशिष्ट रचना होती है आउटग्रोथ के रूप में, इसे कहा जाता है एपिपोडाइट। ये एपिपोडाइट सिंगल होती है लेकिन यह द्विशाखित या बाइलोब्ड होती है। सेकंड मैक्सिलिपीड की रचना इस तरह से होती है। यह सेकंड मैक्सिलिपीड है। कोक्सा के बाहरी सतह पर एक एपिपोडाइट तथा एक गिल होता है। यहां पर हम देख सकते हैं ये कोक्सा के भाग पर एक एपिपोडाइट दिखाई दे रहा है और इसी से लगा हुआ इसके करीब एक गिल भी उपस्थित होता है। बेसिस का खंड यह छोटा होता है तथा इस पर लंबा खंड विहीन एक्सोपोडाइट होता है। इनमें एंडोपोडाइट खंड युक्त होता है जिन्हें क्रमशः इशियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस कहते हैं। इनका डेक्टाइलस ये बेंड होता है, झुका हुआ होता है तथा इनके मार्जिन कटीले होते हैं। तो यहां पर हम देखें ये एंडोपोडाइट है और ये एंडोपोडाइट बहुत सारे खंडों के द्वारा बना हुआ है। ये खंड इस तरह से हैं, पहला कोक्सा, फिर बेसिस, फिर इशियम, इशियम के बाद मीरस, ये कार्पस, प्रोपोडस और अंत में डेक्टाइलस। तीसरा जो मैक्सिलिपीड है वो थर्ड मैक्सिलिपीड कहलाता है। इस थर्ड मैक्सिलिपीड की रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से होती हैं कि कोक्सा के बाहरी सतह पर एक एपिपोडाइट होता है, बेसिस पर खंडहीन एक्सोपोडाइट होता है तथा एंडोपोडाइट यह तीन खंड युक्त रचनाओं से बना हुआ होता है, जिसमें प्रथम खंड में इशियम और मीरस के संयोजन से इसका निर्माण होता है, दूसरा खंड यह कार्पस कहलाता है और तीसरा खंड यह क्रमशः प्रोपोडस और डेक्टाइलस, इनके संयोजन से बनता है। थर्ड मैक्सिलिपीड का कार्य देखें। थर्ड मैक्सिलिपीड ये भोजन को चबाने के लिए उचित स्थिति पर उसे पकड़ करके रखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं यह रचना है थर्ड मैक्सिलिपीड की। तो कोक्सा, बेसिस, उसके बाद तीसरा जो खंड होता है ये दो खंडों से बना हुआ है, इशियम और मीरस, फिर हम देखते हैं कार्पस और अंतिम जो खंड होता है यह भी दो खंडों से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम प्रोपोडस और डेक्टाइलस कहते हैं। इनके कोक्सा के बाहर की दिशा पर एक एपिपोडाइट स्थित होती है। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में एक बाइलोब्ड एपिपोडाइट होता है, सेकंड मैक्सिलिपीड में
एक इपिपोडाइट और एक गिल होती है, जबकि थर्ड मैक्सिलिपीड में केवल एक इपिपोडाइट होती है। रचनात्मक दृष्टिकोण से यह इनके पहचान के लक्षण हुआ करते हैं। थोरेसिक रीजन पे 5 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं, जिनमें से 2 जोड़ी चिलेट लेग होते हैं तथा 3 जोड़ी नॉन चिलेट लेग होते हैं। प्रत्येक लेग में 7 खंड होते हैं। इन खंडों का क्रम और नाम इस तरह से है: कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। पहले और दूसरे पेयर लेग में डेक्टाइलस यह चिमटी के समान रचना बनाता है और इस चिमटी जैसी रचना को चीला कहा जाता है, और इसीलिए पहले और दूसरे पेयर लेग को चीलेट लेग कहा जाता है। इनके चीला ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। मेल प्रॉन में जो सेकंड लेग होता है यह लंबा तथा मोटा होता है तथा शीर्ष पर स्थित चीला ये काफी बड़ा होता है, जबकि फीमेल प्रॉन का सेकंड लेग यह छोटा तथा संकरा होता है और इसके शीर्ष पर स्थित चीला यह भी काफी छोटा होता है। तो सेकंड चिलेट लेग को देख करके मेल और फीमेल प्रॉन की पहचान की जा सकती है। चिलेट लेग के बाद पीछे जो लेग होते हैं वो नॉन चिलेट लेग होते हैं, अर्थात थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर लेग में चीला नहीं होता है। अतः ये सभी के सभी लेग नॉन चिलेट लेग होते हैं। ये रचना और आकार में सभी समान होते हैं। फीमेल प्रॉन के दोनों थर्ड लेग के आधार के समीप आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर फीमेल जिनाइटल ओपनिंग स्थित होती है, जबकि मेल प्रॉन के दोनों फिफ्थ लेग के आधार के समीप आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर मेल जिनाइटल ओपनिंग स्थित होती है। इस चित्र में हम फर्स्ट चिलेट लेग को देख पा रहे हैं। इसके शीर्ष पर ये डेक्टाइलस या चीला होता है। इसी तरह से यदि हम सेकंड चिलेट लेग को देखें मेल में, तो सेकंड चिलेट लेग में जो चीला या डेक्टाइलस होता है ये काफी बड़ा होता है, जबकि फीमेल में जो सेकंड चिलेट लेग है इसका चीला मेल की तुलना में काफी छोटा होता है। तो मेल में चीला बड़ा होता है और फीमेल में चीला ये छोटा होता है। चिलेट लेग के बाद जो नॉन चिलेट लेग होते हैं उनके शीर्ष को हम देखें, यहाँ पर चीला अनुपस्थित होता है और उसकी जगह यह जो डेक्टाइलस का भाग है वो सिंपल होता है। ये एक त्रिकोणे शीर्ष रचना के रूप में स्थित होता है। एब्डोमिनल अपेंडिजेस, शरीर का जो अंतिम भाग होता है वह एब्डोमेन कहलाता है, और इस एब्डोमेन पर जो अपेंडिजेस लगे हुए होते हैं वो एब्डोमिनल अपेंडिजेस कहलाते हैं। चूंकि एब्डोमेन में 6 सेगमेंट होते हैं, इसलिए इनमें 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडिजेस पाए जाते हैं। इन 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडिजेस में से 5 पेयर, शुरू के 5 पेयर ये प्लियोपोड्स कहलाते हैं और अंतिम एक पेयर यह यूरोपोड कहलाता है। आइए हम प्लियोपोड के बारे में देखें। प्रत्येक प्लियोपोड में 4 भाग होते हैं। ये भाग इस तरह से हैं: कोक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। तो यहां पर हम फर्स्ट प्लियोपोड में देखें, यह है कोक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लियोपोड में एंडोपोडाइट सामान्य आकार का होता है तथा इनमें एक अतिरिक्त रचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स इंटरना कहा जाता है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट
के साथ ही साथ एक रचना और पाई जाती है और इस रचना को कहा जाता है अपेंडिक्स इंटरना। अपेंडिक्स इंटरना ये सभी में पाई जाती है, लेकिन यदि मेल प्रॉन के सेकेंड प्लियोपोड को हम देखेंगे तो अपेंडिक्स इंटरना के साथ ही साथ एक और उसी तरह की रचना उसके करीब लगी हुई होती है और यह रचना कहलाती है अपेंडिक्स मैस्कुलिना। ये केवल मेल प्रॉन के सेकेंड प्लियोपोड में होता है। यदि फीमेल प्रॉन के सेकेंड प्लियोपोड को हम देखेंगे तो उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलिना यह अनुपस्थित होती है। मेल प्रॉन के सेकेंड प्लियोपोड में एंडोपोडाइट के आधार के समीप अपेंडिक्स इंटरना के साथ ही एक अपेंडिक्स मैस्कुलिना लगी हुई होती है। फीमेल प्रॉन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना यह अनुपस्थित होती है। ये प्लियोपोड स्विमिंग का कार्य करते हैं, स्विमिंग ऑर्गन होते हैं, इसलिए इन्हें स्विमरेट्स भी कहा जाता है। एब्डोमेन रीजन पर जो अंतिम खंड होता है उसमें संलग्न उपांग को यूरोपोड कहा जाता है। यूरोपोड यह अंतिम खंड पर स्थित एब्डोमिनल उपांग है। कोक्सा एवं बेसिस इनमें फ्यूज्ड होती है तथा फ्यूज होकर यह एक तिकोना स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सिंपॉड कहते हैं। सिंपॉड पर पतवार के समान पतले व चौड़े एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट संलग्न होते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो भाग है यह भाग कहलाता है सिंपॉड। यह सिंपॉड कोक्सा और बेसिस के मिल जाने से एक हो जाने से निर्मित होता है और इस सिंपॉड के आगे ये एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ छोटा एंडोपोडाइट और बड़ा है एक्सोपोडाइट, और इस एक्सोपोडाइट में एक सूचर या एक दरार जैसी रचना भी देखने को मिलती है जो इसकी पहचान है। ये जो यूरोपोड हैं, ये स्प्रिंग की तरह प्रॉन में बैकवर्ड मूवमेंट करने के लिए सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉन के चैप्टर में उनके उपांगों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस तरह से है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिफेलिक अपेंडेजेस, थोरेसिक अपेंडेजेस, एब्डोमिनल अपेंडेजेस एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल प्रॉन को उनके किन लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सकता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डिस्क्राइब द अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पेलीमॉन। ये जो कंटेंट लिया गया है उसके लिए सजेस्टेड रीडिंग इस तरह से है। धन्यवाद।